ओके सो हेलो रिवन तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस वीडियो में कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले तो ये कि जब आप अपनी जो फाइल है वो खरीदने जा रहे हो दुकानदार के पास तो आप कौन से फीचर्स उसके देखने चाहिए जिससे कि आप आइडिया लगा पाओ कि आपके लिए जो फाइल है वो बेस्ट है और दूसरी बात तो ये कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लिए नेसेसरी हैं जो कि आप उस फाइल के अंदर डाल पाओ जिससे कि अगर आपका जो इमिग्रेशन ऑफिसर है कोई भी आपको क्वेश्चन पूछे तो आप उसको ऑन द स्पॉट दिखा पाओ कि आपके पास यहाँ डॉक्यूमेंट है तो इस वीडियो के यही बस दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सो वी गो सबसे पहले बात करते हैं फाइल के ऊपर तो चार पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है जब आप अपनी जो फाइल है वो खरीदने जा रहे हो सबसे पहला पॉइंट है हार्डनेस ऑफ फाइल अब आप तभी फाइल लीजिए जब आप फुली इंश्योर हो जाओ कि आपकी जो फाइल है वो पूरी हार्ड है हार्ड मटीरियल से बनी हार्ड गत्ते से बनी अगर आप सॉफ्ट मटीरियल वाली फाइल लोगे तो इन बाई चांस अगर वो फट जाती है तो अंदर के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके डैमेज हो सकते हैं तो आप हमेशा ये इंश्योर कीजिए कि आपकी जो फाइल है हार्ड मटीरियल से बनी रहे ना कि सॉफ्ट मटीरियल से अब अगर आप फाइल ले रहे हो तो आप यही इंश्योर करना कि जो फाइल है वो पूरी ज़िप से कवर्ड हो इससे आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो मिसप्लेस होने के चांसेस घट जाते हैं अगर आपने ज़िप से कवर कर रखा हो तो पूरे जो डॉक्यूमेंट्स है वो ज़िप के अंदर ही कवर्ड रहेंगे और आपके डॉक्यूमेंट्स मिसप्लेस नहीं होंगे और ये भी ध्यान रख लेना कि उस फाइल के अंदर कम से कम पच्चीस से तीस डॉक्यूमेंट्स के लिए जो ट्रांसपेरेंट शीट्स होती हैं वो अवेलेबल हो जिससे कि आप जितने भी आपके पास मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप इस फाइल के अंदर रख पाओ और ये भी इंश्योर कर लेना कि जो वो ट्रांसपेरेंट शीट्स हैं जो कि आपके फाइल के अंदर प्रोवाइडेड हैं 25 से 30 उनकी जो लेंथ है वो एो साइज पेपर की लेंथ से कुछ थोड़ी सी बड़ी हो जिससे कि आप जब भी उन ए साइज़ पेपर को उन शीट्स के अंदर डाल रहे हो तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम का फेस ना करना पड़े आपके जो एो साइज़ पेपर हैं उन शीट्स के अंदर ईजिली डल जाए और ये भी ध्यान रख लेना कि जब आप अपनी जो फाइल ख़रीद रहे हो तो उस फाइल के अंदर चार से पाँच पॉकेट्स हों जिसमें ज़िप लगी हो जिससे कि आप अपने जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स लाइक पासपोर्ट और एयर टिकट जो कि आपको ऑन द स्पॉट दिखानी होती है एयरपोर्ट में वो आप उसके अंदर आराम से सिक्योरली रख पाए सब फैक्टर्स को देख के आप अपनी जो फाइल है खरीद सकते हैं और जब एट लास्ट आपकी जो फाइल है वो बन जाती है जब आप खरीद लेते हो तो आप उसके अंदर ये सब डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं वो आप अपने डाल सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट डालने उनके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं अब डॉक्यूमेंट्स में भी टू टाइप्स आते हैं एक तो है मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जिसको आपको अपनी जो फाइल के फ्रंट पेजेस में डालना चाहिए जिससे कि आप जल्दी से जल्दी इमिग्रेशन ऑफिसर को अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा पाओ और एक है गुड टू हैव डॉक्यूमेंट जो कि आप अपनी फाइल के लास्ट में डाल सकते हैं और मोस्ट इंपॉर्टें डॉक्यूमेंट्स के अंदर वो डॉक्यूमेंट्स आते हैं जो कि आपने अपनी फाइल लगाने के वक्त यूज़ किए थे और जो आई के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अब सबसे पहले अगर सीक्वेंस वाइज चलते हैं तो सबसे पहले आपने आइल्स का एग्जाम दिया होगा उसके बाद आपका जो ई टी आर एफ है या टीआरएफ आपके घर में डिलीवर्ड हुआ तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट हो गया आइल्स का टी आर एफ सेकंडली आपने कॉलेज के लिए अप्लाई किया होगा तो उसके बाद जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आता है जिसमें आपकी सब डिटेल्स लिखी रहती हैं कॉलेज की डिटेल्स वो भी इंपॉर्टेंट होता है ऑफर लेटर आने के बाद जब आप अपनी जो फीस है वो कॉलेज को जमा कर देते हो तो उसके बाद आपको फी रिसिप्ट आती है जो कि आपको कॉलेज से भी आती है उसको भी आपको सेव करके रखना है और जो आपको फ्लाई ओयर से आती है वो भी आपको सेव करके रखनी है वो भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के अंदर आ जाती है फी रिसिप्ट पे करने के बाद आपको पता होगा नेक्स्ट स्टेप होता है मेडिकल का एग्जामिनेशन देना तो उसी दिन आपको जो ई मेडिकल की रिसिप्ट मिलती है हॉस्पिटल से वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के अंदर आता है फिर आप अपनी जो बैंक में अकाउंट खुलाते हो जीआईसी के लिए जो कि इस बैंक है सी आई बी सी है आर बी सी या कोई भी बैंक है उसके जो जीआईसी सर्टिफिकेट होता है रिसिप्ट होती है उसको भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के अंदर रख लीजिए बायोमेट्रिक्स देने के बाद आपको दो स्लिप्स मिलती हैं वो भी आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके अंदर सेव्ड रख लीजिए अब जब आपको इस सब के बाद अप्रूवल मेल आ जाती है आई आर सी सी से तो आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आई आर सी सी के जो जी सी टी में अपलोड होते हैं जैसे कि आपका जो पासपोर्ट रिक्वेस्ट लेटर आपका वीज़ा अप्रूवल लेटर आपका जो बायोमेट्रिक वैलिडिटी लेटर आपका बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर एंड आपका फाइल सबमिशन लेटर ये जो पांच डॉक्यूमेंट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के कैटेगरी में रखना अब जब आपने इन सब आई के डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करके रख लिया फाइल में तो अब आपके नेक्स्ट टारगेट होता है कि आप अपनी जो रजिस्ट्रेशन है कॉलेज की वो पूरी करें उसके बाद जो उसका इनरोलमेंट लेटर है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेटर है आईआरसीसी जब भी अगर आप जाते हैं इमिग्रेशन में तो सबसे पहले वो आपका इनरोलमेंट लेटर पूछते हैं तो आपको सबसे पहली प्रेफरेंस में कॉलेज से इनरोलमेंट लेटर मांगना है और अपने जो ट्रेवल सपोर्ट लेटर है जिसको पोर्ट ऑफ एंट्री लेटर भी बोल देते हैं उसको भी मांगना है तो उसके बाद जो दो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हो गए आपके इन्रोलमेंट लेटर एंड ट्रैवल सपोर्ट लेटर जो कि आपको कॉलेज से मिलता है अभी ट्रैवल सपोर्ट लेटर होता है वो हर एक कॉलेज से नहीं मिलता और आप इसको गुड टू हैव डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में भी रख सकते हैं पर तो जो इनमेंट लेटर है वो आपको मस्ट है तो आपको उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में रखना है अब ये सब हो गया आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अब मैं बात करता हूँ गुड टू हैव डॉक्यूमेंट्स की जो कि आप अपने जो फाइल है उनके लास्ट पेजेस में भी डाल सकते हैं जिनकी ज़्यादा जरूरत नहीं है पर आप अपने साथ रख लीजिए आपके लिए फ़ायदेमंद होगा तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट है आपकी टेंथ ट्वेल्थ या जो जितने भी ग्रेजुएशन है उनके सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट्स दूसरा डॉक्यूमेंट है आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट जो कि इंग्लिश में ट्रांसलेटेड होना चाहिए तो बर्थ सर्टिफिकेट आप अपना इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा के अपनी जो फाइल है उसमें रख लीजिए थर्ड है आपके जो कॉलेज या स्कूल से मिला हुआ माइग्रेशन सर्टिफिकेट एंड टी वो भी आप अपनी जो फाइल है उसमें रख सकते हैं फोर्थ है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ट्रैवल सपोर्ट लेटर जो होता है जो आपके कॉलेज से मिलता है जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता आजकल पहले इंपॉर्टेंट था तो आप उसको रख सकते हैं फिफ्थ है जितने भी आपने जो सर्टिफिकेट्स हैं वो जीते हैं स्कूल uh, में या कॉलेज में जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं अकेडमिक में हो गए स्पोर्ट्स में हो गए वो सब आप अपनी जो लास्ट प्रेफरेंस है उसमें आप रख सकते हैं अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट हो गए तो मेरी रिकमेंडेशन में आप जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि आप ऐसी फाइल लेने जिसमें चार से पाँच जिप्स हों जिसमें आप अपनी जो फोटोज़ हैं जैसे कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो या एम्बेसी साइज़ फ़ोटो वो भी अब उसमें अपनी रख सकते हैं अब वो जो फाइल है वो जो पॉकेट्स हैं उसमें जिप भी लगी रहनी चाहिए जिससे कि आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मिसप्लेस ना हो जाए अब जो फोटोज़ हैं वो आप अपनी 10 से 20 जो पासपोर्ट साइज करवा लीजिए और 10 से 20 अपनी जो एम्बेसी साइज़ फ़ोटो करवा लीजिए क्योंकि कनाडा में फोटोज़ ये सब एक्सपेंसिव होती हैं तो आप अगर इंडिया से करा के कर जाएंगे तो आपके जो पैसे हैं वो बच जाएंगे अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो फाइल है ये मेरी फाइल है इसमें फ्रंट पेज में जो ट्रांसपेरेंट शीट्स गिवन है जिसमें मैंने अपनी जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स हैं उनको डाल रखा है और एम्बेसी साइज़ फ़ोटोग्राफ्स को डाल रखा है उसके नीचे आपको दिख जाती है ये पॉकेट जिसमें ज़िप तो नहीं लगी पर आप ज़िप वाली ले लेना मैंने जिप वाली नहीं ली आ, तो ये जो पॉकेट है इसके अंदर मेरे पासपोर्ट एंड डायरीज़ हैं और यहाँ पे पेन होल्डर दे रखा है और भी काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर डाल सकते हैं इसके अंदर जो मैंने बोला था कि इसके अंदर डायरी भी पड़ी है वो ये है आप डायरी देख सकते हैं इसके अंदर आप ऐसे आराम से डायरी डाल सकते हैं तो इस डायरी का क्या क्या इंपॉर्टेंस है आपको मैं अभी बताता हूँ अब इस डायरी में आप काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट चीज़ें लिख सकते हैं जैसे कि आप अपनी जो जी की, की का जो आई पासवर्ड एंड सिक्योरिटी क्वेश्चन हैं उनको लिख सकते हैं कि अगर बाई चांस इमिग्रेशन ऑफिसर ने आपसे पूछ लिया कि आप अपनी जी को ओपन करो आप इससे रेफ़र कर सकते हैं या फिर आपको अपने कॉलेज का अकाउंट खोलना है तो उसके लिए जो आईडी और पासवर्ड है उसको जो क्रेडेंशियल्स है आपके कॉलेज के उसमें आप लिख दीजिए और उसके बाद आप इसको रेफ़र कर सकते हैं अपना जो लॉग इन करने के लिए अकाउंट को अब इन सब के बाद जो ट्रैवलिंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो है आपका जो आर टेस्ट है जो कि नेगेटिव होना चाहिए उसके बाद जो आपके पासपोर्ट लिंक्ड वैक्सीन वेक, सर्टिफिकेट्स हैं जो कि आपकी फ़र्स्ट एंड सेकेंड डोज है वो आप अपने साथ रख सकते हैं आपकी जो एयर टिकट है वो भी आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि प्राइवेटी में होते हैं वो आप रख सकते हैं फाइल के अंदर और आपकी जो अराइव के की जो रिसिप्ट है जो कि आपको सेवन तो आवर्स के अंदर भरनी है वो भी आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स है, हैं मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स उनके अंदर रख सकते हैं ट्रैवलिंग के वक्त जब आपके ये सब काम कंप्लीट हो जाते हैं तो आप ये इंश्योर करना कि आपके जो फाइल है जो आपने खरीदी है उसमें तीन से जो चार पेजेस हैं वो लेफ्ट ब्लैंड हो जिससे कि अगर आपको कोई नया डॉक्यूमेंट या कोई भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट ऐड करना हो तो आप उसको आराम से ऐड कर पाएँ अब इस वीडियो के दौरान मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट्स बताए उनकी आप स्कैंड पीडीएफ कॉपी फ़ोन में सेव कर सकते हैं जिससे कि आपको अगर ये डॉक्यूमेंट्स ना खोलने पड़े आप सीधा अपने जो इमिग्रेशन ऑफिसर को फ़ोन में आपके डॉक्यूमेंट्स दिखा दें सो दैट्स इट्स एंड आई होप इट विल हेल्प यू सी यू सो